एडिशनल पुलिस कमिश्नर कैलाश चंद बिश्नोई एक्शन मोड में। गैंगस्टर और वांछित अपराधियों के खिलाफ किया धरपकड़ अभियान का आगाज। जयपुर शहर में सुबह 5 बजे से बदमाशों के ठिकानों पर पुलिस टीमें कर रही छापेमार कार्रवाई। अभी तक कुल 400 बदमाशों को हिरासत में लेने की सूचना। जयपुर शहर को अपराधियों से मुक्त कराने, गैंगस्टर्स पर नजर रखने और साथ साथ जयपुर शहर में होने वाली आपराधिक वारदातों को रोकने के लिए जयपुर पुलिस की ओर से एक बड़ा अभियान चलाया गया। आज सुबह 5 बजे से पूरे जयपुर शहर में एक साथ जो बदमाश थे उनके ठिकानों पर दबिश दी गई है। करीबन 400 से अधिक बदमाशों को डिटेन किया गया है। खुद एडिशनल पुलिस कमिश्नर कैलाश चंद्र बिश्नोई हमारे साथ है। सर, एक बड़ी कार्रवाई जयपुर शहर के अंदर अंजाम दी गई, किस प्रकार से पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया? देखिए, जो डायरेक्शंस हमको आए थे उस क्रम के अंदर सीपी साहब के मार्गदर्शन के अंदर हमने जयपुर क्षेत्र में होने वाले अपराध और उनको जो करते हैं अपराधी, बेसिकली उन दोनों को चिन्हित किया। और इस तरीके से करीब 1000 अपराधी चिन्हित किए गए थे जो बेसिकली फायर आर्म्स का उपयोग करते हैं और चेन, मोबाइल, पर्स स्नैचिंग करके अर्बन क्षेत्र के अंदर, शहरी क्षेत्रों के अंदर बेसिकली सनसनी फैलाते हैं। इस तरह के अपराधियों को चिन्हित किया गया था। इन 1000 अपराधियों के लिए चारों डीसीपी साहिबान के सुपरविजन के अंदर टीम्स गठित की गई, जिसमें सीएसटी का भी महत्वपूर्ण योगदान है। और 1000 अपराधियों के लिए करीब 1000 ही टीमें बनाई गई थी जो अल सुबह 5 बजे से दबिशें डाल रही है इनके ठिकानों पर। और अभी तक करीब 400 अपराधी पुलिस के पकड़ में आए हैं, जिनको थाने पर ला करके गहनता से पूछताछ और आगे कार्रवाई की जा रही है। अभियान दिन भर चलेगा तो बेसिकली डिटेल्स तो देर शाम तक आ पाएंगे। सर, सूचना मिल रही है कि जो बदमाश थे उनके पास अवैध हथियार भी मिले हैं, लिकर ही मिले इनके पास? हाँ बिल्कुल, कुछ क्षेत्रों से ये जानकारी आई है कि आर्म्स एक्ट का सीजर हुआ है, कुछ में एक्साइज भी सीज हुई है। तो अकॉर्डिंगली इनसे पूछताछ करके उसके बाद में संबंधित एक्ट के तहत इनके खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी। सर, आपने जब जब अभियान चलाया हमेशा कुछ अलग टारगेट किया, पिछली बार आपने चलाया तो गैंगस्टर्स को टारगेट किया, इस बार किसको टारगेट किया सर? मैंने जैसे बताया मैंने कहा बेसिकली हम अपराध की स्टडी करते हैं, बेसिकली जयपुर शहर में होने वाले अपराध की। तो इस बार चूंकि पिछले कुछ समय से बेसिकली शहर की सड़कों पे मोबाइल पर्स स्नैचिंग करने की वारदातें बढ़ी थी, तो इस बार हमारा टारगेट लुटेरे थे बेसिकली, चाहे वो चेन स्नैचर्स हों, चाहे वो मोबाइल स्नैच करने वाले हों, चाहे पर्स स्नैच करने वाले हों। और उनके साथ एक एडिशनल कैटेगरी हमने रखी थी बेसिकली जो फायर आर्म्स का उपयोग करते हैं पिछले कुछ सालों के अंदर। तो इन दोनों कैटेगरीज को क्लब करते हुए हमने करीब 1000 अपराधी चिन्हित किए हुए थे और इन पर आज सवेरे से सघन रूप से कार्रवाई की जा रही है। तो 1000 बदमाशों को चिन्हित किया गया, उसके बाद में करीबन 400 से अधिक जो बदमाश थे उनको डिटेन किया गया, फिलहाल उनसे पूछताछ की जा रही है। माना जा रहा है कि बदमाशों के पास में बड़ी संख्या में अवैध हथियार और शराब बरामद हुई है। फिलहाल कार्रवाई जारी है, देखना होगा आगे किस प्रकार की कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है जिससे कि बदमाश को जयपुर शहर के अंदर आने से रोका जा सके। मेरे सहयोगी जैसा शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।